Hey my loves, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. So don't forget to subscribe my channel, like my videos, comment and share please. So I'm back with the Nykaa makeup haul. तो शायद आप सबको पता ही होगा कि 25 से 31 तक अभी नायका पिंक हॉट सेल चली थी, तो मैंने उसी से कुछ शॉपिंग की थी. तो आज आपको एक और चीज़ पता चले कि नायका पिंक हॉट सेल के बारे में जिनको नहीं पता है, तो नायका पिंक हॉट सेल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ऑलमोस्ट स्किन केयर, मेकअप, हेयर सब पे डिस्काउंट मिलता है. बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, 50% कहीं पे 35%. वैसे तो नॉर्मली भी अगर आप परचेज करोगे तो उस पे डिस्काउंट्स रहते हैं, बट इस ये तो बस अमेजिंग सेल होती है. तो सॉरी फॉर दैट कि ये वाली वीडियो मैंने सेल से पहले नहीं बनाई. मैंने शॉपिंग करने के बाद और अब सेल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, तो अब आप प्लीज़ वीडियो देखिए और नेक्स्ट सेल का वेट करना. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. सो दिस इज द बॉक्स, दिस वन एंड टू. तो आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज रोज वाटर टोनर. तो ये है खादी नेचुरल्स का. तो दिस इज़ माय फोर्थ बॉटल जो मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ, और ये सीरियसली बहुत अच्छा है गाइस, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ D10 फेस पैक. दिस इज़ फ्रॉम TNW द नेचुरल वॉश. तो ये वाला तो मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने जा रही हूँ. इससे पहले मैंने रिकोड का D10 फेस पैक ट्राई किया था, तो वो भी बहुत अच्छा था. और अगर आपने इसको यूज़ किया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं कि ये क्या रिजल्ट्स है इसके. ओके, तो वो थे स्किन केयर के प्रोडक्ट. अब आते हैं मेकअप पे. तो आई शो यू कि मैंने मेकअप में क्या ऑर्डर किया था. दीज फाउंडेशंस, तो ये है मेबेलिन फाउंडेशन सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. तो इससे पहले मैंने मेबेलिन फिट मी रेंज यूज़ की थी, तो वो भी बहुत बेस्ट थी. लेकिन अब मैं फर्स्ट टाइम ये वाला यूज़ करने जा रही हूँ, तो इसके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये रिकमेंड किया. तो मैं इसको यूज़ करने के बाद आपको रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी. एंड अगेन मेकअप, तो ये है फॉरएवर 52 के कंसीलर्स. ये मेरा सेकंड यूज़ है, तो मैं इससे पहले भी ये दोनों शेड्स यूज़ कर चुकी हूँ. एज यू नो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने ये वाले अपने क्लाइंट्स पे यूज़ किए थे, तो ये मेरे को बेस्ट लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये फिर से दोबारा से ऑर्डर किया. एंड ये है मॉइस्चराइज़र, सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है ये, डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन. तो ये आपकी जो सेंसिटिव स्किन है या ऑल टाइप स्किन्स के लिए ये बेस्ट है. तो ये है डर्मेटोलॉजी टेस्टेड, तो इसको आप ट्राई करके देखना. मैं तो हमेशा यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, खुद पे भी एंड अपने क्लाइंट्स पे भी. एंड ये है फेस वॉश, वाओ का फेस वॉश है विटामिन सी. तो ये भी मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तो गाइस आप भी प्लीज़ एक बार उसको यूज़ करके देखना. मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और आप मुझे बताओ आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताओ. एंड यू नो गाइस, आई गॉट टू फ्रेग्रेंस. तो दिस वन इज़ फॉरएवर 52 लिक्विड सिंदूर, और ये छोटा सा मिनी पैक मुझे मेबेलिन का लिक्विड मैट लिपस्टिक का मिला है. So this one is so cute. And guys, one more thing is कि मैंने lenses भी मंगवाए थे, color lenses one day use वाले. तो ये मैंने aqua color की site से ही मंगवाए थे, तो वहाँ पर भी end of the season sale चल रहा था. तो मैंने ये चार shades मंगवाए थे अलग अलग. First one is a spicy grey, second one is icy blue, and the third one is maestri hazel, and the fourth one and last is dusky brown. तो ये मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए मंगवाए थे. सो गाइज, ये थी मेरी मेकअप हॉल वीडियो. तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी.
एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो वीडियोज़। तो आई थिंक ये वाली तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेकअप और स्किन केयर में। एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। सो बाय बाय, टेक केयर।